वही आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, ईयरबड की जो M10 की ईयरबड थी उसके साथ मैं आ गया हूँ गाइस। इस बार मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ये पूरी तरह से वर्क करता है। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, अभी 8 दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने अनबॉक्सिंग के ऊपर, जिसमें गाइस मैंने इसके अंदर तक का भी खोल कर दिखाया था। इसके अंदर बैटरी किस तरह की होती है, किस तरह से ये वर्क करती है और सारा कहाँ से मुझे मिला ये, और पूरा अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने इसमें ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो गाइस इस वीडियो के बाद अगर आपको देखना है वो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो गाइस क्या अमेजिंग लग रही है, आप देख सकते हो ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। हाँ तो गाइस चलते हैं इसके फ्यूचर के ऊपर कैसे वर्क करती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला तो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आए, कमेंट में गाइस ये मुझे पूछा जा रहा था कि सर ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से कनेक्ट होती है और ये हमारे फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा है, और प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना दो कनेक्ट के ऊपर, किस तरह से ये वर्क करती है उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो गाइज आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से वर्क करता है आप देखना। भाई लोग बोले थे कनेक्ट नहीं हो रही है एक, और किस तरह से ये हमारा फ्यूचर है इसमें, क्योंकि इसमें टचिंग वाला फ्यूचर है तो किस तरह से वर्क करता है। तो गाइज आज मैं सारे डिस्कस आपको इस वीडियो में फाइनल कर दूंगा, ठीक है। जितने भी आपके कमेंट हैं सारे के सारे का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो गाइज देखिए, सबसे पहले आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक ईयरबड निकाल लेनी होगी और ब्लूटूथ को करना एक कनेक्ट करने के लिए गाइज ये करना होगा, ठीक है। तो अभी इसका नाम है M10 से ही आएगी, तो गाइज इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो गाइज अभी मैं इस पर देखो ये पहल का न्यू डिवाइस, ये M10 के नाम से आती है गाइज, देखो ये आ चुका है M10। अब मैं इस पर कनेक्ट करूँगा सिंपली, तो ये पैर होने लग जाएगा और कनेक्टेड हो चुका है, आप देख सकते हो कनेक्टेड हो चुका है। अगर गाइस आपका एक से कनेक्टेड नहीं हो रहा है, अगर आप एक ईयरबड से निकाल ले और आपका एक कनेक्टेड नहीं हो रहा है एक से, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दूसरा ईयरबड है उसको भी आप निकाल लीजिए, ठीक है। इस टाइप से दोनों से आप आ जाए तो आप कनेक्ट कर सकती हो, अगर एक से आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है ये आपको बता रहा हूँ मैं अभी इसलिए। तो गाइज अभी ये कनेक्टेड हो चुका है, अब चलते हैं हम यूट्यूब पे, आगे दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से वर्क करती है। तो गाइज अभी हम इसकी सॉन्ग की टेस्टिंग करेंगे कि सॉन्ग किस तरह से ये काम करता है सॉन्ग पर, तो अभी मैं यूट्यूब पे चलता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आ चुका हूँ, अब कोई भी एक सॉन्ग मैं प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि अभी ये वाला मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया है। तो गाइज अभी ये बज रहा है, ठीक है, अभी इससे कनेक्टेड है तो ये चालू है इससे। अब गाइज मैं दूसरा भी ईयरबड निकाल लेता हूँ अपने उससे, ठीक है। तो गाइज ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, तो इसको गाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम गाना हमें रोकना होता है तो हम सिंपली 1 टैप करेंगे वो गाना पॉज हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है, गाना रुक चुका है। अगर हम चालू करना है दोबारा तो इस पर भी सिंगल टैप हम करेंगे तो ये गाना चालू हो जाएगा, देख सकते हो आप गाइज 1 क्लिक, एक ही क्लिक पर गाना रुक रहा है और चालू हो रहा है, आप देख सकते हो गाइज, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा गाइज, अब सिंगल टैप पे 2 मेथड होते हैं, एक तो गाना हम प्ले कर रहे हैं जो सॉन्ग उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है, और चालू कर सकते हैं। दूसरा है अगर हम किसी की कॉल आती है हमारी, तो कॉल भी हम रिसीव कर सकते हैं और कॉल 1 क्लिक पे डिसकनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कॉल आया, आप अगर फ़ोन आपका पास नहीं है दूर है या आप इसी से क्लिक करना चाहते हो तो एक टैप करो तो आपका जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा और 1 क्लिक पे ही गाइज कॉल डिसकनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है गाइज, अगर हमें गाने को फॉरवर्ड करना है, अगर गाना हमें चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा गाइज, जो राइट वाला है, ठीक है, जो राइट वाला है उस पर हम 3 बार टैप करेंगे तो गाना देख सकते हैं गाइज, आप गाना नेक्स्ट लग गया है, ठीक है, गाना नेक्स्ट हो गया है। अगर गाइज आपको बैक लेना है तो ये लेफ्ट वाले पे हम 3 बार टैप करेंगे, आप देख सकते हैं गाना बैक आ गया है। अगर आपको फॉरवर्ड करना है आगे, अगर गाना चेंज करना है तो राइट वाले पे 3 बार क्लिक करना होगा तो गाना चेंज हो जाएगा। इस तरह से गाइज आप सॉन्ग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब ये सिंगल टैप का हो गया और 3 टैप का हो गया। गाइज 2 टैप पे क्या होता है गाइज, अगर आपका 2 टैप करते हो तो जिसका कॉल आएगा आपको वो वापस लग जाएगा, ठीक है, या फिर किसी का लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर होगा, अगर डबल टैप करोगे तो उसका कॉल लग जाएगा। तो देखो मैं डबल टैप करता हूँ, दोनों में से कोई सी पे भी आप डबल टैप कर दीजिए, 1 2। अब गाइज 2 बार टैप हो चुका है हमारा और देखना कॉल लग गई है, तो इस तरह से हम कॉल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब गाइज अब क्या होता है, अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें इसकी लैंग्वेज चेंज करनी होती है, तो हम लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं इसकी, क्योंकि
लैंग्वेज में आता है ये, एक इंग्लिश में आता है, एक चाइनीज़ में आता है, क्योंकि चाइनीज़ का प्रोडक्ट वो अपना वो लैंग्वेज देता ही है। तो उससे आगे बढ़ने से पहले गाइस हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो उसका कि हम वॉल्यूम अप करना है, डाउन करना है, तो उससे आप क्या कर सकते हो गाइस, आपका मैंने सिंगल टैप बता दिया है, टू टैप बता दिया, थ्री टैप भी मैंने आपको बता दिया है, गाना फॉरवर्ड हो जाता है। अब गाइस अब बताते हैं इसका फोर टैप है क्या होता है। अगर राइट वाले पे अगर आप फोर टैप क्लिक करोगे, ठीक है, तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, इस तरह से वॉल्यूम अप कर सकते हो गाइज। देखो राइट वाले पे क्लिक करोगे वॉल्यूम अप हो जाएगा, इस तरह से गाइज देख सकते हो आप वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अप करना है तो लेफ्ट वाले पे फोर बार क्लिक करना होगा, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम अप हो रहा है, डाउन भी हो रहा है, इस तरह से आप अप डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि गाइस ये रीसेट कैसे होता है, और हम एक ही मतलब जो दूसरे बंदों को अगर हम शेयर करते हैं, ये एक सॉन्ग से अगर दो बंदों को हम शेयर करते हैं, अगर वो आपके पास एक ईयरबड है और नेक्स्ट गाना वाला ईयरबड आपके दोस्त के पास हो, ठीक है, किसी मेंबर के पास हो, तो आप नेक्स्ट सॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ आपके पास बैक वाला है, तो हम बैक सॉन्ग ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इस वाले में अगर नेक्स्ट सॉन्ग हम फॉरवर्ड करने के लिए, तो गाइस इसको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसे रीसेट करना होगा। आप देख सकते हो गाइस ये बिलिंग कर रहा है अभी फिलहाल। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट सॉन्ग आप लगाओ, वो गाना जो दूसरा व्यक्ति है वो सिर्फ बैक ही कर सके, तो इसके लिए क्या करना होगा गाइस, या अगर आपके पास ये वाला है तो आप चाहते हो कि इससे मैं नेक्स्ट सॉन्ग लगाऊँ, ये इससे चाहते हो, अगर तो गाइस इसे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको रीसेट करना होगा। रीसेट कैसे होता है आप देख लीजिए, क्योंकि किसी भाई ने एक बार कमेंट किया था इसको रीसेट कैसे करते हैं। तो रीसेट करने के लिए सिंपली आपको कुछ ही नहीं करना होगा, इसके बाद फाइव बार टैप करना होगा, पांच बार इसको टैप करना होगा, तो ये रीसेट लग जाएगा। आप देख सकते हो ये रीसेट लग चुका है, ठीक है, अब ये रीसेट लग चुका है। तो गाइस दोनों रीसेट हो गए हैं, तो गाइस अब इसके क्या होगा, जिससे आपने ये वाला रीसेट किया था अभी, तो दोनों रीसेट हो गए हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग जो होगा इससे होगा, ठीक है, इससे आप वॉल्यूम अप कर सकते हो, वॉल्यूम और नेक्स्ट सॉन्ग इससे ही लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो अगर इससे अगर आप नेक्स्ट सॉन्ग लगाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, पहले दोनों को ऑन करना होगा, ठीक है, ये दोनों ऑन हो गए, अभी इससे कनेक्टेड हो गया है, तो अभी उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप इससे चाहते हो कि आप इससे नेक्स्ट सॉन्ग लगाओ, तो इस पर फाइव बार टाइप करना होगा। तो देख सकते हो गाइस ये रीसेट लग गया है, और अब जो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होंगे वो इससे होंगे। आप जिससे भी चाहते हो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के लिए, तो वो इससे कर सकते हैं आप। बात आती है इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करें, भाई ने बोला था कि भाई इसको लैंग्वेज इसके कैसे चेंज होता है और इसको रीसेट कैसे करते हैं। तो गाइज वो तो आपने देख रखा है, रीसेट वाला तो आपने देख चुका है, रीसेट कैसे होता है वो तो आपने देख ही लिया है। अब बात आती है इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करें, ठीक है। अब लैंग्वेज चेंज करने के लिए गाइज क्या होगा, आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे अभी आपने रीसेट करा था, ठीक है, उसको भी फाइव बार इस पर टाइप करेंगे, तो गाइज देख सकते हैं अभी ये इस टाइप से ये पूरा हो गया है, ठीक है, अब रेड लाइट में जल चुकी है गाइज। अब इसको किस तरह से इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, तो गाइज इसमें आपको प्रॉपर आवाज़ आ जाएगी, इस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस तरह से करने के लिए आपको दो बार क्लिक करना होगा, देख सकते हो गाइज आपको आवाज आ रही होगी प्रॉपर, इंग्लिश हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बार टैप पर एक बार और करता हूँ, लैंग्वेज चेंज हुई है, अब फिर दोबारा इंग्लिश करने के लिए करता हूँ, फिर दोबारा गाइज। इस तरह से हम इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देख चुके हो गाइज। मुझे सबसे अच्छी लगती है इसकी व्हीलिंग करती हुई लाइट लगती है, सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये सबसे ज़्यादा मुझे अमेजिंग ये लगता है। और हाँ गाइज, जो अभी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है वो आप जरूर से ज़रूर देखिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, उसके अंदर भी इसके अंदर आपको क्या है, क्या फ्यूचर मिलता है इसका भी आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय।